कैसे मेरे पलेरो, मेरे चुन्ने मुन्ने, मेरे बच्चों, कैसे हो? ये किंग का कमाल देख रहे हो? पांचवा साल शुरू हो गया, ये किंग पहले नंबर पर ही है। नहीं हटूंगा जब तक खेलूंगा, पहले नंबर पर ही रहूंगा ओडीआई में। तुम बताओ कैसे हो? किंग बाबर आजम खान भैया सब बढ़िया ही होंगे, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और गेंदबाजी में मैं पहले नंबर पे आ गया। तेरा ही गेंदबाज हूँ भैया, कैसे? तेरा ही सिखाया गया हूँ। अब तू बल्लेबाजी में पहला नंबर संभाल, इधर मैं पहला नंबर गेंदबाजी में संभालता हूँ। वाह बाबर मेरे दोस्त, किंग भैया क्या बात है यार, पांचवा साल शुरू, तू एक नंबर छोड़ता नहीं। लेकिन यार थोड़ी मेहरबानी कर, हमारा रोहित शर्मा हिटमैन भी तेरे पीछे पीछे दो नंबर पे आ गया, दो चार दिन एक नंबर छोड़ दे, दो चार दिन उसको भी मजे लेने दे एक नंबर के। अरे कोहली मेरे दोस्त, हम तो अभी अभी आए, थोड़े ही साल हो गए, रोहित खेलता खेलता बुढ़ा हो गया, इसको चाहिए था पहला नंबर संभाल के रखता। मैं तो भैया नहीं देने वाला, ये तो एक दो साल के बाद संन्यास ले ले लेगा, मैं तो खेलता रहूंगा, जब तक खेलूंगा एक नंबर नहीं छोड़ूंगा, पहले बताया नहीं? किंग बाबर भैया कोई बात नहीं, दो चार दिन के लिए मुझे मजे लेने दे, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया, बढ़िया खेल गया ना, कोशिश करूंगा तो जितने साल एक दो साल खेलूंगा तेरा एक नंबर ले जाऊंगा, फिर दो नंबर पे रहते रहना, ठीक है? इसलिए दो चार दिन मजे लेने दे। रोहित भैया तेरे सामने भी किंग बाबर आजम है, कोशिश करके देख ले, कहीं इस कोशिश में अपना दो नंबर नहीं गवा देना, मेरी बात मान, दो नंबर संभाल के रख, इसी पे संन्यास ले लेना, एक नंबर पे आना तेरे बस की बात नहीं जब तक तेरे सामने किंग बाबर आजम खड़ा है। और तू शिकी भैया गुस्से में दिख रहा है, गुस्से में मुंह सुजा के फुला के बैठा है, अबे क्या बात हो गई, हमसे कुछ नहीं है भैया, ये बढ़िया सी कुर्सी हमने तेरे को दी यार, इतनी शान से बैठाया, फिर भी तू हमसे नाराज है क्या? बोल क्या बात है। किंग बाबर भैया तू भी क्रिकेट का किंग है यार, ये मेरी शक्ल तेरे को गुस्से वाली लग रही है? अरे मैं सैड मूड में हूँ, लटकी हुई है शक्ल, क्योंकि मेरे देश का कोई भी प्लेयर टॉप फोर में क्या टॉप टेन में नहीं है, ना गेंदबाज ना बल्लेबाज, इसलिए मुंह लटका हुआ है। अरे शकी भैया क्यों रो रहा है यार, कभी तू भी टॉप पे था, गेंदबाजी में, ऑलराउंडरी में, बल्लेबाजी में, तीनों शुबों में तू एक साथ टॉप रह चुका है, अब क्या हुआ तू खिसक गया? अभी भी ऑलराउंडरों में देख तेरा नंबर चार पर प्लेयर है मेहंदी हसन मिराज। शैन भैया मैं टॉप पे तो था, वो T20 है, इधर ओडीए की बात हो रही है, ओडीए में तो पिछले पांच सालों से बाबर ने कब्जा जमाया हुआ है एक नंबर पे, मैं कैसे आ सकता? वैसे यार मेरा प्लेयर है ऑलराउंडर में नंबर चार पे मेहंदी हसन मिराज, चलो दिल को सुकून मिला। अरे यार बस करो, हमें भी बोलने का मौका दो, हम भी आए हैं। शैन भैया तू ज्यादा खुश नहीं हो, दो चार मैच मेरे को और खेलने दे, तेरे को भैया टॉप से नीचे फेंकूंगा, टॉप पे मैं आऊंगा, वैसे भी नाम है जसप्रीत बुमराह मेरा, बल्लेबाजों की मेरा नाम सुन के पैंट हो जाती है गीली। अरे बस करता, बुमराह का बच्चा तीसरे नंबर वाला गेंदबाज हम होता, तू अपना नंबर देख, छठा नंबर इधर कोई प्लेयर है, पांचवे नंबर वाला भी नहीं है, ये बाबर का मेहरबानी, तेरा नाम था, इतना इज्जत थी, ओ वैसे है नहीं, बाबर ने की तेरे को ले आया, बस कर चुप करके बैठता। किशोर महाराज बुरा दर्दू इसको छोड़ता, तू अपनी गेंदबाजी पे फोकस करता, टॉप नंबर पे जाता, मेरा भी इज्जत बनता, तेरा भी बनता। किंग बाबर बुरा दर इसी लोगों को काय को बुला लिया, दो छठे सातवें नंबर पे लटका होता, देखो अब इनको बोलने का तमीज नहीं होता, अभी शर्म करता बुमराह। अरे छोड़ो यार, हमको भी मौका दो, हम भी फिलहाल दो नंबर पे होते, बोहमा भैया ये तेरा महाराज ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर हम जाएगा, शैनिस को खिसकाएगा, टॉप पर कब्जा करेगा, और शकी भैया तू रो ले फिर से, क्योंकि तेरा ऑलराउंडर इधर नहीं चलेगा, ना ही वो आया, क्योंकि इधर गेंदबाज और बल्लेबाज का बात होगा। अरे बस करता राशिद भैया रहने दे, हम क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, जिस दिन हम को ओडीआई में रख लिया ना, धूल मचा डालेंगे, पहले नंबर पे जाएंगे, और पाकिस्तान वालों मुबारक हो किंग बाबर भैया, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी आपकी। अब यार हमको भी मौका दो, हम तीसरे नंबर के बल्लेबाज, विराट भैया तू नंबर चार का बल्लेबाज, तू नीचे आता, हमको अपनी जगह ऊपर बैठाता इधर से, जैसे पाकिस्तान वाले बैठे, ताकि मेरे से भी कोई बात करता, मैं भी उसका जवाब देता, तू खामखा ऊपर चले गया। अरे गिल भूतनी की शर्म कर, तुम्हारा सीनियर है, इज्जत कर, हम इज्जत कर रहे हैं यार, नंबर चार वाला ना बल्लेबाज ना गेंदबाज लाना था, हम लाए विराट को, हमने सोचा चार नंबर पर हुआ तो क्या हुआ, हमारा दोस्त है, फ्रेंड है, इसके बिना वीडियो में मजा नहीं आएगा, हमने इज्जत की, तू नहीं करता भूतनी क्या? अरे छोड़ दे बाबर भैया, बस बहुत हो गया, गिल के बच्चे भूतनी के नंबर तीन पे आ गया, इज्जत करना भूल गया, करवा दी बेइज्जती। अरे तुमसे अच्छे ये पाकिस्तान वाले यार, हमारे बिना वीडियो नहीं बनाई, कब से हमारा इंतजार कर रहे थे, आज हम फारुक हुए हमको लेके, तुमको तो शर्म नहीं है? चल बाबर भैया एंड कर वीडियो का यार, बस बहुत हो गया, ना ये इज्जत करता ना कुलदीप ना या भूमरा यार, ना कटवा दी, रोहित और मैं कितने बढ़िया वीडियो बना रहे थे, सत्यानाश कर दिया। ओके बाय बाय भाई, ये केवल फनी वीडियो थी, कैसे लगी, सब्सक्राइब लाइक कर लेना।